सो है गाइस, कैसे हो आप सभी। होप सो एकदम अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोको एफ वन डिवाइस के लिए। जी कैम का एक नया वर्जन यहाँ पर आ चुका है जो कि 8.2 है। उसमें हमें ऑलरेडी एक वर्जन देखने को मिला था, मगर इस टाइम हमें एक स्टेबल वर्जन देखने को मिल रहा है पोको एफ वन डिवाइस के लिए। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से उसको इंस्टॉल करना है, नई चीज़ें हमें कौन सी जो है इस जी कैम में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो हमारे आने वाले पोको एफ वन डिवाइस के लिए कैमरा टिप्स के बारे में, कुछ कैमरा के आपको यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगा पोको एफ वन डिवाइस के लिए। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर गाइस, मैं सिंपली आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए सभी फीचर्स वगैरह। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो कैमरा का फीचर है हमारा, ये तो ऑब्वियसली अच्छा वर्क करने वाला है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मगर यहाँ पर नाइट सेट का जो मोड है, ये देखते हैं हम क्या इस यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो नाइट साइड में अगर हम फोटो कैप्चर कर रहे थे तो अच्छी तरीके से वर्क कर रही, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर हम स्वाइप करते दोस्तों, तो आपको जो क्विक शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह, यहाँ पर आप सिंपली जो भी फोटो आपने कैप्चर की थी उसको ईजिली शेयर कर सकते हो। उसके बाद में हमारा आता है पोर्ट्रेट मोड, एंड पोर्ट्रेट मोड में भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पोर्ट्रेट मोड में अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। सो ये तो पहले भी वर्क कर रहे थे, इनमें कोई दिक्कत नहीं। मगर यहाँ पर जो वीडियो का मोड है दोस्तों, इसमें पहले इशू आ रहा था जो था वीडियो स्टेबलाइजेशन का। यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं वीडियो स्टेबलाइजेशन के, स्टैंडर्ड, लॉक, एक्टिव एंड सिनेमेटिक पैन। तो सिंपली ये जो थे प्रीवियस वर्जन में वर्क नहीं कर रहे थे, कुछ कुछ डिवाइस में, कुछ डिवाइस में वर्क कर रहे थे, कुछ डिवाइस में वर्क नहीं कर रहे थे। मगर इस टाइम जो ये काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करने वाले, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन जो किस तरीके से वर्क करने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर आपको वीडियो स्टेबलाइज होने वाली है। अगर आप लॉक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, अनस्टेबलाइज एंड स्टेबलाइज में आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा किस तरीके से लॉक वाला जो स्टेबलाइजेशन का फीचर है वो यहाँ पर वर्क करने वाला है। सो उसके बाद में अगर हम बात कर ले यहाँ पर जो एक्टिव स्टेबलाइजेशन है, उस पर भी आप देख सकते हो किस तरीके का इफेक्ट है अनस्टेबलाइज एंड आफ्टर द स्टेबलाइज। एंड अगर सिनेमेटिक पैन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा सिनेमेटिक शॉट आप सिनेमेटिक पैन इस फीचर से कैप्चर कर सकते हो। सो ये जो फीचर थे ये प्रीवियसली काम नहीं कर रहे थे कुछ कुछ डिवाइस में, एंड इस टाइम जो ये सभी डिवाइस में जो अच्छे तरीके से काम कर लगे। सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये कौन सा वर्जन है, तो सिंपली आप यहाँ पर देख सकते हो अबाउट ऐप में जाकर आप, तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिल जाता है 8.2.204, ये वाला एक स्टेबल वर्जन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है गूगल कैमरा का। तो ये जो है पोको एफ वन डिवाइस में काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिली। ये जो फीचर है स्टेबलाइजेशन के, ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं पोको एफ वन डिवाइस में। सो एक बार ट्राई करके देखिए क्या आपके डिवाइस में अच्छे तरीके से वर्क कर लेते हैं। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर मैंने लिंक को पेस्ट किया, सिंपली जाइए चेकआउट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।